सालों से मैं उनसे बात कर रहा। तालीम का दौर खत्म होने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, सियासत का शौक मुझे जब आया तो एजाज साहब से पहले ताल्लुक कायम हुआ, और उस जमाने में 1978 में इलेक्शन में हिस्सा लिया तो निशान बड़ा मुश्किल था। वो हमारे अपने साथियों ने और इस सरजमी ने बंदा नवाज ऐसे हस्ती गुजरे जिन्होंने हर मुखार में अपना नाम बनाया। शायरी हो तो मोहतरमा शमीम सुरैया है मौजूद है, उनके अपने वाले को सुलेमान खातिब बोलते तो लोग हंसते भी थे, लेकिन आखिर में आके दिल पे ऐसी चोट बैठती थी कि कुछ और खातिब तो अब सही हो रहे। यहां से कई शोरा आदि कई अफसाना निगाह मिजाही अफसाना निगाह मुस्तफा हुसैन हो खालिद सईद हो कुमार कुरैशी हो हामिद अकमल हो वहाबान नदीन हो इस फील्ड में निकले तो सियासत के फील्ड में भी आपका ये भाई निकला। लोग आए और कारवा बनता गए, गली से दिल्ली तक आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे पार्लियामेंट तक भी पहुंचाया। आज मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे जब ये मुकाम दिया है तो वो हीरे मोती जो इस सरजमीन में है इन हीरों को उजागर दूसरी जमात से लेकर बारहवीं जमात के स्टूडेंट्स के दरमियान दिल में रास पैदा करते हैं, और जब इंसान में रास पैदा होता है तो उसमें हमदर्दी का जज्बा न हो पाता है, और जब हमदर्दी का जज्बा न हो पाता है दिल उदास होता है तो अपने कौम के बारे में कृतज्ञ से गौर करता है। अल्लामा इकबाल ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि जिस मोमिन के दिल में उदास ना हो वो मोमिन अपने कौम के लिए कोई हिम्मत अंजाम नहीं दे सकता। तो लिहाजा ये तमाम जो डेलिकेट फनून है वो तमाम नाजुक और लतीफ फनून जो है वो आपके उस नाजुक और डेलिकेट जज्बे को फरोग देने के लिए है। तो लिहाजा फनून लतीफा के लिए सकूला नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ स्कूलों में इसीलिए ड्राइंग की क्लास या आर्ट ऑफ क्राफ्ट की क्लास हुई थी कि बच्चे इस जज्बे को बनाने लेते हैं। उसी चीज़ को प्रमोट के जज्बे को प्रमोट करने के लिए इतना तरीके का चीज़ को नाकारा समझ कर हम इसके लिए बड़ी कारण है, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा ड्राइंग करने वाला थियरी में कोई चीज़ की ड्राइंग ड्राइंग आता है। ये बात एजाज साहब ने आपको बताई मिली है, ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये आगे के लिए आपके लिए किस्म जो डाले हैं। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे याद है आई एम फ्रॉम बैंगलोर, वहाँ मेरे जो प्रोग्राम बनाए कॉम्पिटिशन फॉर क्रिएटिविटी हमारे स्कूल्स में ही ख़त्म होती जा रही है। हम लोग ये जो स्पिरिट
बनाएंगे, क्योंकि हमको बहुत कंपटीशन में बच्चों को करियर या जॉब्स मिलने फ्यूचर बाहर जाने के बजाय अगर उनके अंदर खुद सलाहियत हम उनको आइडेंटिफाई करें तो ऐसे बच्चों डेफिनेटली देखेंगे कि करियर। तो हम ये प्रोग्राम के लिए आगे हर साल करेंगे और बहुत तैदान में करेंगे, इंशाल्लाह 2000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और एक ट्रस्ट बनाएंगे जहाँ पर हम लोग पूरे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे काउंसलर के गाइडेंस में हम लोग ये प्रोग्राम ऑल ओवर कर्नाटक देंगे। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पे एक क्लासेस कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये जो टैलेंट है उसको जो बच्चों को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाएंगे। रखने का मकसद ये है कि बच्चों के जो टैलेंट्स छुपे हुए हैं उनको उभारा जाए। आजकल देखा जा रहा है कि स्कूलों में रफ्तार रफ्तार ड्राइंग का सब्जेक्ट ही ख़त्म किया जा रहा है और ड्राइंग टीचर का पोस्ट भी तकरीबन ख़त्म ही है। तो ये ना हो कि आइंदा आने वाले सालों में बच्चों को ये मालूम ही ना हो कि आर्ट क्या है, ड्राइंग क्या है, क्राफ्ट क्या है। इस मकसद को लेते हुए मैंने बच्चों में मोटिवेशन पैदा करने के लिए ये आर्ट कंपटीशन मैंने मुनाकिद किया है, ताकि जो है बच्चे यहाँ से अपने अंदर के जो छुपे हुए जज्बात, छुपे हुए जो सलाहियतें हैं वो उजागर करें। और पेरेंट्स से और रियासत पर रखा गया है और काफ़ी स्कूलों ने इसमें जो है हिस्सा लिया है। इस बात की खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें तकरीबन 500 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 45 से 50 बच्चों को जो है इनामात हम लोगों ने दिए हैं और हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ताकि बच्चों में ये मोटिवेशन पैदा हो कि आइंदा जो है ये उमंग रहे कि जहाँ भी चाइल्ड आर्ट कॉम्पिटिशन रहे उसमें हिस्सा लें। माँ बाप से और साथ से स्कूल वालों से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि बच्चों को आगे लाएं और उनमें ये शौक़ पैदा करें कि आर्ट कंपटीशन जहां भी हो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उभारें। वाला प्ले करना।